हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कंजम्पशन फंक्शन जिसमें प्रोपेंसिटी टू सेव, इस वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। वो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जिसे APS कहते हैं और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जिसे MPS कहते हैं। ये दोनों भी टॉपिक आज के इस वीडियो में हम प्रोपेंसिटी टू सेव किस तरह से होता है इसे हम समझेंगे। तो किसी इंसान या किसी कंट्री की जो नेशनल इनकम होती है वो डिवाइडेड होती है दो पार्ट में, एक होता है कंजम्पशन और दूसरा होता है सेविंग। नेशनल इनकम डिवाइड होता है, इनकम को हम Y इंडिकेट करते हैं, तो ये Y होता है कंजम्पशन और सेकेंड होता है सेविंग। तो लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कंजम्पशन फंक्शन में जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है उसके हमने तीन पार्ट में वीडियो बनाए हैं। ये वीडियो अगर आप पहले देख लेते हैं तो उसके बाद ये प्रोपेंसिटी टू सेव किस तरह से वर्क करता है और ये समझने में और भी इजी हो सकता है। और जो लास्ट वाले जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये वीडियो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो उसी के साथ नेशनल इनकम जिसे हम Y से इंडिकेट करते हैं, तो ये कंजम्पशन और सेविंग इन दोनों से ही ये नेशनल इनकम जो डिवाइड होता है। तो उसी के साथ जो Y है, ये YC+S, अगर हम कंजम्पशन और सेविंग इन दोनों की अगर टोटल करें तो हमें उस कंट्री की या इंसान की इनकम मिलती है। तो यहाँ पे Y ये टोटल आउटपुट या इनकम कहे, C यहाँ पे कंजम्पशन और जो S है टोटल सेविंग। तो जैसे कि हमने देखा इनकम ये इक्वल होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग, कंजम्पशन और सेविंग इन दोनों की टोटल करें तो हमें नेशनल इनकम मिलता है। तो अगर हम कंजम्पशन अगर निकालें तो कंजम्पशन हमें किस तरह से मिलेगा, कंजम्पशन इज इक्वल Y माइनस S। अगर हमारी इनकम से हम सेविंग को माइनस करेंगे तो हमारा कंजम्पशन किस तरह से हमारी इनकम से हमने एक्सपेंडिचर किया है ये हमें मिलता है। इसके अपोजिट जैसे कि हमें हमारा सेविंग अगर निकालना है तो ये सेविंग हमारा जो नेशनल इनकम है या टोटल इनकम है उससे माइनस करेंगे कंजम्पशन, तो इनकम से माइनस अगर कंजम्पशन करेंगे तो हमें हमारा सेविंग मिलता है। अगर हमारा नेशनल इनकम निकालना है तो ये हमें इस तरह से निकालना पड़ेगा, हमारा कंजम्पशन निकालना है तो इस तरह से, और हमारा सेविंग निकालने के लिए इस तरह से हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इनकम है, इनकम से जो कंजम्पशन होता है वो कंजम्पशन हमारे जीने के लिए हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ये हमारा जो Y है ये हमारा इनकम से हमें कंजम्पशन होता है, और जो Y से जो कंजम्पशन करके जो अमाउंट या इनकम बच जाती है उसे नॉन कंजम्पशन कहा जाता है। इसे नॉन कंजम्पशन या इसे नॉन एक्सपेंडिचर, एक ऐसा अमाउंट इनकम का जो कंजम्पशन होने के बाद जो इनकम से बची हुई ही इनकम है उसे सेविंग कहा जाता है। तो ये जो कंजम्पशन है ये कंजम्पशन रिलेटेड करता है इनकम से, उसी तरह से जो सेविंग है ये सेविंग भी
इनकम से रिलेट करती है। तो इस तरह से इनकम का एक ऐसा एक पार्ट जो कंजम्पशन पे होता है और जो सेविंग है, ये सेविंग कोई भी इंसान या कोई भी कंट्री सेविंग करने की वजह होती है उसकी फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम को, या अनएक्सपेक्टेड ऐसे कुछ प्रॉब्लम अगर क्रिएट होते हैं उसे सॉल्व करने के लिए अपने पास अगर कोई अमाउंट या सेविंग है, इससे हम उसकी सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। क्योंकि हमारा जो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन हम मनी के साथ करते हैं, और मनी यही हमारी जो सेविंग है, ये सेविंग से जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस है लोग अपने पास रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, या अपनी सेविंग, ये सेविंग से ही अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने की एक वजह बन जाती है। तो उस तरह से प्रोपेंसिटी टू सेव, इसे किस तरह से उसका मीनिंग होता है, तो इसका मीनिंग होता है हमारी जो टोटल इनकम है उसका और सेविंग का जो रिलेशनशिप होता है उसे ही प्रोपेंसिटी टू सेव कहा जाता है, या हम कहें कि हमारी जो इनकम है और हमारी जो सेविंग है इसका जो रेशो है, इस रेशो को ही प्रोपेंसिटी टू सेव कहा जाता है। तो अगर हमारा इनकम अगर बढ़ता है, अगर हमारा इनकम बढ़ेगा तो हमारा सेविंग भी बढ़ेगा, हमारा सेविंग बढ़ेगा तो इसका मीनिंग होता है हमारा जो कंजम्पशन है वो घटेगा। अगर हमारा इनकम घटेगा तो हमारा सेविंग भी घटेगा, और इसके अपोजिट हमारा सेविंग अगर घटता है तो हमारा कंजम्पशन ये बढ़ता है, इससे रिलेटेड। बट अगर हमारा इनकम बढ़ेगा तो हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, हमारा इनकम घटेगा तो हमारा कंजम्पशन भी घटेगा। बट अगर हम इसे डिवाइड कर ले तो ये पोर्शन हमें ये कहता है हमारा सेविंग बढ़ता है तो हमारा कंजम्पशन घटता है, हमारा सेविंग घटता है तो हमारा कंजम्पशन बढ़ता है, क्योंकि हमारी जो इनकम है, इनकम का दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है सेविंग, एक होता है कंजम्पशन। इन दोनों को एक एग्जांपल एक कॉइन का दिया जाता है, जिसे कॉइन को दो साइड होते हैं, उसके अलावा कोई भी यहाँ पे टाइप्स या कोई भी पार्ट नहीं बन पाते हैं। तो इनकम एक कॉइन है, और जो कॉइन है इनकम का हम समझते हैं उसके दो पार्ट होंगे, एक तो होगा सेविंग या होगा कंजम्पशन। तो ये हमें कहता है ये सेविंग जो है ये फंक्शन है वाई का, क्योंकि इनकम में जिस तरह से चेंजेस आएंगे उसी तरह से हमारे सेविंग में भी चेंजेस आते हैं। तो इस तरह से प्रोपेंसिटी टू सेव इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है APS जिसे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कहा जाता है, और सेकंड जो टाइप है उसे कहते हैं MPS जिसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहा जाता है। प्रोपेंसिटी टू सेव इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है APS जिसे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कहा जाएगा, और सेकेंड है MPS जिसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहा जाता है। तो ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या कहता है, जो APS है ये कहता है APS refers to the ratio of the saving to the corresponding level of income. APS refers to the ratio of saving to the corresponding
लेवल ऑफ इनकम। तो ये हमें कहता है कि हमारा जो APS है, जो हमारे इनकम से अगर हम सेविंग को डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव मींस हमारा मैक्सिमम हमारे इनकम से किस तरह से कितने एवरेज से हमारा सेविंग हुआ है ये हमें मिलता है। तो फॉर्मूला में APS ये कहता है सेविंग अपॉन इनकम, जिसे Y हम इंडिकेट करते हैं। तो अगर हमें हमारा APS निकालना है तो APS ये हमें इस तरह से मिलेगा। तो इस डायग्राम के साथ हम समझते हैं कि APS किस तरह से वर्क करता है। हमारा X लेवल पे हमने इनकम लिया है जो करोड़ रुपीज़ में है, और जो हमारा Y लेवल है यहाँ पे इंडिकेट करेगा सेविंग जो करोड़ रुपीज़ में है। तो स्टार्टिंग में जब भी किसी इंसान के अगर जो इनकम है वो इनकम अगर नहीं भी है, क्योंकि वो कभी काम पे अगर जॉब पे नहीं है, तो उसको अपना जीने के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो तब उसकी ऐसी कंडीशन होती है उसकी सेविंग माइनस होती है, क्योंकि उसके पास इनकम ही नहीं है। तो इनकम का ऐसा पार्ट जो सेविंग का होता है तो ये माइनस में यहाँ पे हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से एक्स लेवल पे जब ये SS जो है ये हमारा सेविंग कर्व है, जो नीचे से ऊपर तक जाने वाला या डाउन से अप होने वाला जो पॉजिटिव ऐसा ये सेविंग कर्व हमें मिलता है, ये हमेशा ही पॉजिटिव होता है, क्योंकि जिस तरह से हमारी इनकम बढ़ेगी उसी हिसाब से हमारा सेविंग में भी चेंजेस या जो सेविंग है वो भी हमारा बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे डायग्राम में यहाँ पे जो हमारा इनकम है ये इनकम OY, ये OY से हमारा जो इनकम बना OY और हमारा सेविंग OR, तो यहाँ पे कर्व हमें ई पॉइंट पे मिलता है जो सेविंग कर्व को इंटरसेक्ट करता है। तो यही से हमारा सेविंग और इनकम का जो रिलेशनशिप है या उसका जो रेशो है किस तरह से हमें मिलेगा, तो यहाँ पे जितना भी सेविंग है ये सेविंग OR और इनकम OY, इन दोनों को डिवाइड करेंगे एक दूसरे से या इनका रेशो हमें मिलेगा, तो यही हमारा APS हमें मिलता है। तो आगे हम देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंस ऑफ APS। तो APS के इम्पोर्टेंस होते हैं APS कैन नेवर बी वन आर मोर देन वन, ये कभी भी एक नहीं होता है और ना ही एक से ज़्यादा होता है। APS कैन नेवर बी वन आर मोर देन वन, मतलब जितना अपना इनकम है उतना ही सेविंग कर लिए, ये तो बहुत ही रेयर एक कंडीशन या सिचुएशन हो जाएगा कि जितनी भी इनकम आ रही वो पूरी की पूरी सेविंग में जाएगी, ना ही उसका कंजम्पशन में कुछ यूज़ होगा। और मोर देन वन ये कहता है कि जितनी भी इनकम है और उससे भी ज़्यादा ये सेविंग होगी, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो ये ज़ीरो और वन के बीच में ही इंडिकेट करता है। सेकंड है APS कैन बी ज़ीरो, APS हमें कहता है कि जितना भी हमारे इनकम आया वो इनकम पूरा का पूरा खर्च हो गया, तो ये हो गया ज़ीरो, ये पॉसिबल है। थर्ड कहता है APS कैन बी नेगेटिव और लेस देन,
हमारा जो सेविंग है वो कभी कभी माइनस भी जा सकती है, जो ये कंडीशन हमें मिलता है, हमारा जो सेविंग है वो माइनस में भी हो सकता है। नेक्स्ट है एपीएस राइज विद द इनकम इन इंक्रीज इन इनकम। एपीएस राइज विद इंक्रीजिंग इन इनकम, जो इनकम बढ़ेगा उसके साथ साथ हमारा जो एपीएस है, जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ये भी बढ़ता है। ये तो सही है, उसके साथ ही बढ़ता है। जितना इनकम बढ़ेगा उसके साथ साथ लोगों की जो प्रोपेंसिटी है या उसकी टेंडेंसी है या उसकी जो नेचर है सेविंग करने की, जो इन फ्यूचर में उसकी कुछ ज़रूरतें पूरी करने के लिए, एजुकेशन के लिए, अच्छे लाइफस्टाइल के जीने के लिए, ये सेविंग भी उसकी इम्पोर्टेंट बनती है। जो बढ़ते हुए इनकम के साथ साथ ये सेविंग का जो पैटर्न है वो भी बदलता हुआ या बढ़ता हुआ हमें मिलता है। एपीएस के बाद हम देखेंगे एमपीएस। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो ये एमपीएस है वो कहता है MPS refer to the ratio of the change in saving to change in the total income. जो total income में जो changes होंगे तो उस changes के साथ साथ जो हमारा saving है बढ़ा हुआ या change हुआ हुआ saving है उसमें भी हमें जो difference मिलेगा इसी का जो ratio है, इस ratio को ही हम MPS कहते हैं। तो यहाँ पे MPS refers to the ratio of change in saving to change in total income। तो ये हमारा MPS जो फॉर्मूले के साथ हमें किस तरह से मिलेगा, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, यह हम माने डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो यहाँ पे जो MPS का जो डायग्राम है ये हमें ये कहता है हमारा X लेवल पे जो इनकम करोड़ रुपीज़ में है और Y लेवल हमारा सेविंग जो है ये करोड़ रुपीज़ में है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा है ऐसे जो हमारा सेविंग कर्व है जो नीचे से ऊपर तक जाने वाला, डाउन से अप तक जाने वाला जो हमारा सेविंग कर्व है वो पॉजिटिव है। जिस तरह से इनकम बढ़ेगी उसी तरह से हमारा सेविंग जो कर्व है वो ऊपर जाता हुआ, पॉजिटिवली जाता हुआ हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जैसे हमें देखा कि जो हमारा इनकम है वो इनकम Y1 था और हमारा सेविंग वो था OR, बट जैसे ही हमारा जो इनकम चेंज होता है Y1 से Y2 तक जब जाता है तो उसी के साथ साथ हमारा जो सेविंग है उसमें भी चेंजेस दिखाई देंगे। इनकम बढ़ने के साथ साथ हमारा सेविंग कर्व है वो भी ऊपर जाता हुआ और सेविंग ये पॉइंट आर से पी तक ऊपर जाता हुआ हमें दिखाई देता है। तो हमारा इनकम वाई, जैसे डेल्टा वाई जो हमारा वाई वन से वाई टू तक गया और हमारा डेल्टा एस ये आर से पी तक जाता हुआ हमें दिखाई देता है। तो ये पॉइंट जो है बी से ए तक का जाने वाला ये पॉजिटिवली हमें जाता हुआ दिखाई देता है। तो इसी के साथ जो हमारा डेल्टा एस है ये डेल्टा एस हमें मिला आरपी और डेल्टा वाई जो है वो हमें मिला वाई वन से वाई टू तक। तो यहाँ पे जो हमारा एपीएस कहता है
ये APS ये पॉइंट तक, जैसे इनकम बढ़ी, जो इनकम है वो इनकम और सेविंग इसका जो रेशो है इसके बारे में APS कहता है, बट MPS ये हमें जो इनकम में चेंज आया और इनकम में चेंज आने के बाद जो सेविंग में भी चेंज आया इसके बारे में, या इसके रिलेटेड जो रिलेशनशिप है इनकम और सेविंग का, ये हमें MPS यहाँ पे बताता है। तो MPS के जो इम्पोर्टेंस है, ये हमें कहता है कि MPS ये 0 से 1 के बीच में ही होता है। जो हमारा मार्जिनल सेविंग जो है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग है, ये 0 से 1 तक ही होगा, ना ही 0 से माइनस में जाएगा, ना ही 1 से ऊपर जाएगा। सेकंड है, MPS ये 0 भी हो सकता है, या MPS ये 1 तक भी जा सकता है। ये रेयर केस होगा जहाँ पे हमारा जितना इनकम में चेंज आया उतना चेंज जो हमारे सेविंग में आएगा वो उतना ही होगा, तो वो केस में ये 0, 1, 1 ये पॉइंट हमें बताएगा। तो MPS हमेशा ही ये 0 से 1 के बीच में ये रिलेट करता है। तो उसी के साथ अगर हम माने हमारा APC प्लस हमारा APS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, इन दोनों की अगर टोटल करें तो हमें उसका कैलकुलेशन हमें 1 मिलता है। तो अगर हम समझे कि हमें APC निकालना है, तो APC निकालने के लिए हमें 1 माइनस APS ये यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो इनकम है, इनकम में से जो कंजम्पशन हुआ और इनकम से दूसरा जो बचा हुआ है, जो नॉन कंजम्पशन हुआ है, वो APS ही कहा जाएगा। तो APC निकालने के लिए 1 माइनस APS ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। और उसी तरह से हमें MPC प्लस MPS दोनों की टोटल 1 होती है। तो उसी तरह से अगर हमें MPC निकालना है तो उसी तरह से ये 1 माइनस MPS जो हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये निकालना है, तो हमें 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो इसी के साथ इस टेबल्स के साथ हम समझेंगे कि किस तरह से यहाँ पे हमारा APS और MPS वर्क करेगा, और उसी के साथ हम देखेंगे APC और MPC का भी किस तरह से यहाँ पे वर्क होता है, ये भी हम देखेंगे। तो जब इनकम 100 होती है, तो फर्स्ट टेबल में हमने इनकम लिया है, जो इनकम करोड़ रुपीस में है, डेल्टा वाई जो हमने करोड़ रुपीस में लिया है, हमारा कंजम्पशन भी यहाँ पे करोड़ रुपीस में लिया है, उसी तरह से हमारा सेविंग करोड़ रुपीस में। APS जो इंडिकेट करेगा S/Y, MPS डेल्टा S/Y, तो हमारा APC 1 माइनस APS, MPC यहाँ पे 1 माइनस MPS, इस तरह से हम इसके रिजल्ट निकालेंगे। तो जब हमारा इनकम 100 होता है तो हमारा डेल्टा वाई तो कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ पे ब्लैंक है। हमारा कंजम्पशन 90 हुआ तो हमारा सेविंग 10 हुआ, तो यहाँ पे जो सेविंग अपॉन वाई, यहाँ पे हमें जो रेशो मिला वो 0.1। तो यहाँ पे डेल्टा चेंजेस यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है हमारा MPS में, हमारा जो यहाँ पे डैश आएगा और हमारा जो APC है वो निकलेगा। इसके जो हम रिलेट करेंगे तो ये 1 माइनस APS है, हमारा जो सेविंग है उससे 1 माइनस हम करेंगे तो हमारा 0.9 यह आंसर हमें मिलता है। तो हमारा MPC यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। सेकेंड स्टेज में हम देखेंगे, जब हमारा इनकम 200 हुआ
तब हमारा जो डेल्टा वाई है वो हमारा जो डिफरेंस है वो 100 आया, हमारा कंजम्पशन भी बढ़ा, कंजम्पशन 160 हुआ तो हमारा सेविंग 40 हुआ। तो इन दोनों की टोटल हमारी इनकम ही हुई और हमारा जो इनकम बढ़ा उसका जो चेंजेस आया वो 100 था। तो इसी के साथ जो हमारा APS ये आएगा 40/200, ये 40/200, इसका कैलकुलेशन हमें 0.2, और हमारा MPS जो चेंजेस हुए, जो चेंजेस हमें ये कहते हैं हमारा MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो चेंजेस आए ये 30 था। इन दोनों का रिलेट करेंगे तो 40-10 यहाँ पे 30 आया और हमारा जो इनकम में चेंज आया वो 100। तो यहाँ पे हमारा जो रेशो आया 0.3। APC हमारा जो 1-APS है, APS ये माइनस करेंगे, 1-माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे 0.2, तो यहाँ पे हमें रेशो मिला 0.8। और NPC हमारा 1-0.3 इज इक्वल 0.7। उसी तरह से जब हमारा इनकम भी बढ़ा है, यहाँ पे 300 हुआ तो हमारा इनकम डेल्टा वाई जो हमें 100 में चेंजेस है, हमने पूरे टेबल में हमने चेंजेस हमने 100 से दिखाया है, तो यहाँ पे हमारा कंजम्पशन 210 और हमारा सेविंग 90 हुआ। तो 90 होने से साथ साथ जो APS है S/Y जो 90 था सेविंग 90, और ये 90 और जो हमारा इनकम यहाँ पे 300, तो इसका रेशो 0.3। MPS हमारा जो सेविंग में चेंजेस आया 90 से 40 माइनस करेंगे तो 50 आया, तो ये MPS 50/100 चेंजेस जो आया हमारा इनकम का वो 100 था, तो इसका रेशो 0.5। इस तरह से हमारा APC 1-APS 0.7 आया, और 1-MPS MPS का पॉइंट लिया, 1-0.5 किए तो हमारा ये रेशो भी 0.5 आया। उसके साथ अगर उसी तरह से इनकम अगर 100 से या 100 से बढ़ती है तो डेल्टा वाई 100, कंजम्पशन 240, सेविंग हमारा 160, तो इसका रेशो APS 160/400 0.4 APS हमें मिला। MPS सेविंग में चेंजेस 70 और डेल्टा वाई जो है वो 100, तो इसका रेशो 0.7। APC हमारा 1-0.4 इज इक्वल 0.6 APC हमें ये आंसर मिलता है। तो MPC 1-0.7/0.3 ये हमारा MPC यहाँ पे मिलता है। जो 1-MPS करेंगे तो हमें MPC यहाँ पे मिला। उसी तरह से आगे जाके हमें 500 जब इनकम होती है, वही हमने लिया हमारा डेल्टा वाई 100, हमारा कंजम्पशन 250, हमारा सेविंग 250। यहाँ पे हमारा जो सेविंग 250, हमारा इनकम 500, इसका रेशो 0.5। उसी तरह से हमारा जो MPS है डेल्टा S 90, डेल्टा वाई 100, तो इसका रेशो 0.9। APC 1-APS 0.5 और हमारा आंसर 0.5। उसी तरह से MPC 1-MPS, MPS हमारा 0.9, तो यहाँ पे हमारा जो MPC है वो 0.1। तो यहाँ पे हम देखें कि हमारा जो इनकम के साथ बढ़ने वाला APC है उससे कई गुना हमारा MPS बढ़ता है। इसका रेशो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। बस MPS हमारा जो बढ़ रहा है 0.3, 0.5, 0.7, 0.9, तो APS से कई गुना हमारा MPS बढ़ रहा है। जो इनकम में चेंजेस होने के साथ साथ हमारा सेविंग में भी जो चेंज आ रहा है वो रेशो हमारा ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसकी अपोजिट हमारा जो कंजम्पशन है APC और MPC, हमारा MPC ज़्यादा घट रहा है मुकाबले हमारे APC के। APC भी घट रहा है बट MPC भी घट रहा है। दोनों में से घटने की जो स्पीड है या उसका जो ज़्यादा जो
एमपीसी यहाँ पे घटा हुआ हमें दिखाई देता है। उसके अपोजिट जो एमपीएस है उस एपीएस से ज़्यादा यहाँ पे सेविंग बढ़ता हुआ एमपीएस से दिखाई देता है, और जो एमपीसी है एपीसी से ज़्यादा घटा हुआ दिखाई देता है। तो इनकम के मुकाबले हम देखें एमपीएस ज़्यादा बढ़ता है एपीएस से, और इनकम के लेवल से देखें कंजम्पशन होने के साथ साथ एपीसी घटता है बट एमपीसी ज़्यादा घटता है। तो हमारा प्रोपेंसिटी टू सेव का यहाँ पे टॉपिक हमने कवर किया है, उसके साथ साथ जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है उसके भी वीडियो हमने दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आगे जाने वाले टॉपिक में हम देखेंगे तो केन्स का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन किस तरह से होता है ये हम देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।